श्री अकाल प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलजीत सिंह बंटी, तबला आर्टिस्ट एंड ट्रेनर। आज की वीडियो में मैंने आपको आपके लिए स्पेशली एक चक्करदार टुकड़ा बजाने की कोशिश की है, और इसमें मैंने धाकड़ धान बोल के साथ कत जो बोल है, कत धान धान धा, ये बोल कैसे बजाया जाता है, इन बोलों को समझाने की कोशिश की है। सो, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा इस बोल का। सो, आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें जो बोल मैंने बजाए हैं वो कैसे कैसे बजेंगे। चक्करदार टुकड़े को हम सबसे पहले बोलेंगे और हाथों पे काउंट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। धा किर धान धागे तिट कत कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान धा धा किर धान धागे तिट कत कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान धा धा किर धान धागे तिट कत कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान धा। और ये जो टुकड़ा है ये 32 मात्रा का है। ये दो चक्कर में, तीन ताल के जब दो चक्कर बजाए जाते हैं स्लो लय में, तो फिर ये टुकड़ा पूरा आता है। अब इसको थोड़ा फास्ट बजाते हैं। सबसे पहले इसमें बजाएंगे हम धा कर धान धागे तिट कत कत, ये बोल धा कर धान धागे तिट कत कत धा कर धान धागे तिट कत कत। सिंपल से बोल है ये, धागे तिट कत कत सिंपल है। धा कर धान में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। धा कर धान कत कत बोल काफ़ी महत्वपूर्ण बोल है, ये ज़रूर आने चाहिए। इसको अगर हम क्लासिकल बोलों में, अगर ये बोल ना हो तो क्लासिकल बजाने का मज़ा नहीं है। और ये कत बोल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये आना चाहिए। इसको और बजाते हैं थोड़ा स्लो। धा किट धान धागे तिट कत कत धा किट धान धागे तिट कत कत धान ये एक पल्ला है। इसी पल्ले को दो बार और बजाएंगे, टोटल तीन बार अगर बजाएंगे तो ये चक्करदार टुकड़ा आपका तीन ताल में क्लियर होगा। अब इस पूरे टुकड़े को बजाते हैं स्लो। बहुत ही ये खूबसूरत टुकड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा जब किसी के साथ भी ये टुकड़ा आप बजाएंगे, संगत करेंगे तबले पे। और तैयारी में ये बजाया जाता है बहुत। अब इसको थोड़ा तैयारी में बजाते हैं। आपने थोड़ा जोर से, अगर इस टुकड़े को आप थोड़ा जोर से बजाएंगे, थोड़ा वजन से, तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। थोड़ा और फास्ट बजाते हैं इसको। सो, प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये जो बोल हैं ये आपको ज़रूर आने चाहिए। चक्करदार जो होती हैं, ये चक्करदार टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब आप क्लासिकल के साथ किसी भी गाने वाले के साथ संगत करेंगे या
इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप संगत करते हैं तो ये टुकड़े बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और जो नए देखने वाले हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लिंक को आगे शेयर भी कीजिए ताकि और जो नए सीखने वाले हैं उनको भी लाभ मिले। सो आज मेरी तरफ से आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। सो मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल।